पिछोर पुलिस को बड़ी सफलता, 5,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। 302 के प्रकरण में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने 302 के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 का इनाम रखा गया था। सब इंस्पेक्टर विनोद यादव ने बताया, विधानसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे कि स्थायी वारंटी और फरार चल रहे हैं, आरोपियों की धरपकड़ करना है। इसी को लेकर 2019 से 302 प्रकरण का आरोपी की तलाश कई दिनों से चल रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी माता टीला के पास खड़ा हुआ है, तभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित की गई, जिसमें आरक्षक अनिल यादव, माता टीला चौकी के स्टाफ की मदद से आरोपी की घेराबंदी की गई और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी पनिहारी गांव का रहने वाला है, जिस पर धारा 302 का प्रकरण पंजीबृत कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। सर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? विधानसभा चुनाव को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार हमें निर्देश दिए गए थे कि हमें फरारी और जो स्थायी वारंटी हैं, जो लगातार क्षेत्र से फरार चल रहे हैं, उनकी धरपकड़ करनी है। इसी के पालन में हम लोगों ने मुख्य सूचना पर से एक जगदेव पुत्र परमानंद लोधी निवासी पनहारी को हमने गिरफ्तार किया गया है। ये 2019 के 302 के मामले में लगातार फरार चल रहा था, इसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था, जिसे हमने गिरफ्तार किया गया है। आज उसे कोर्ट में पेश कर रहे हैं।